अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप चर्चा में बने हुए हैं। उनका अभी आधिकारिक तौर पर शपथ लेना बाकी है, लेकिन वो देश की नीतियों से लेकर आगामी योजनाओं तक कई बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। ऐसे में अब उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कह डाला है। लेकिन क्यों, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर कर खुशी हुई, मैं जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा ताकि हम टैरिफ और ट्रेड पर अपनी चर्चा जारी रख सकें, इसके नतीजे बेहतरीन होंगे। ट्रंप की इस प्रतिक्रिया के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर क्यों कहा। बता दें कि ट्रूडो ने पिछले हफ्ते फ्लोरिडा में ट्रंप के साथ डिनर किया था। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर कनाडा सरकार अमेरिका में अवैध प्रवासियों और नशीली दवाओं की एंट्री रोकने में नाकाम रहती है तो उस पर 25% टैरिफ भी लगाया जाएगा। और इसी दौरान ट्रंप ने मजाक में कनाडा को अमेरिका 51वां राज्य बनने का भी ऑफर दिया, लेकिन ट्रूडो ये सुनकर असहज हो गए और हंसने लगे। इस दौरान ट्रूडो ने ट्रंप से कहा था कि अमेरिका के इन प्रस्तावित टैरिफ से कनाडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इस पर ट्रंप ने कथित तौर पर कहा था कि अगर कनाडा इन टैरिफ की मार को नहीं झेल सकता तो उसे अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए और ट्रूडो इसके गवर्नर बन सकते हैं।